क्लास टेंथ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो टॉपिक्स जो हैं आज के वो हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इससे पहले हमने बात की हुई है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पर किलेक्ट्रिसिटी क्या है फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर और उसके बाद करंट uh, इलेक्ट्रिसिटी की बात की है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स पर भी बात की हुई है और चार्जेस और चार्जेस की प्रॉपर्टीज पर भी बात की हुई है सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले बात होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है इसकी डिफिनीशन पे नजर मारते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक चार्ज की होती है किसी पॉइंट पर दोनों चीजें चीजों पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पर भी और पोटेंशियल पर भी लिहाजा डेफिनेशन में दोनों चीजों को मेंशन करना जरूरी है चार्ज को भी और पॉइंट को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहां पर टर्म यूज होगी इन्फिनिटी और टर्म यूज होगी वर्क डन जब भी हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं हम अक्सर एनर्जी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एनर्जी का वही यूनिट है जो जो वर्क वर्क डन का है वर्क डन भी जूल में मेजर करते हैं और एनर्जी भी जूल में मेजर करते हैं लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन सो इलेक्ट्रिक हाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और यहां पर हम इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एक चार्ज की किसी खास पॉइंट पर अगर हम एक ही चार्ज लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर तो डिफरेंट एनर्जी होगी उसकी अगर एक ही पॉइंट्स पर हम डिफरेंट चार्जे लेंगे लेंगे तो उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी लिहाजा ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है और पॉइंट पर भी डिपेंड करता है सो so, दूसरी टर्म जो मैंने यहां पर यूज की है इन्फिनिटी पहले इस पर आ जाते हैं कि इनफिनिटी क्या हो गया इससे पहले हमने पढ़ा है कि किसी चार्ज के गिर्द वो स्पेस जिसमें यह दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे रिपल करे इन्फ्लुएंस करे असर करे उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अगर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर टेस्ट चार्ज होगा वो, हो वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा हम कहते हैं वो इन्फिनिटी पर है जिस तरह जो हमारे क्लासरूम में है वो मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और क्लासरूम से जो बाहर है चाहे फिर वो दरवाजे से बाहर ही क्यों ना हो या फिर वो चाहे ग्राउंड में क्यों ना हो या चाहे फिर वो स्कूल के गेट पर क्यों ना हो ही इज एट सो आई होप दैट कि इन्फिनिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा सो so यहां पर हमने वर्क डन करनी है वर्क डन क्या करनी है एक चार्ज पर वर्क डन करनी है एक चार्ज पर क्या वर्क डन करनी है कि हमने इस चार्ज को लाना है कहां से फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट जिस पॉइंट पर हमने इसको पहुंचा दिया उस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं एज द एज डन इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट सो सिंपली सिंपली यहां पे आप देख सकते हो हमने लिखा है Uh, यहां पर यू ए इज इक्वल ट यू ए इज इक्वल ट वॉल्ड डब्ल्यू इन्फिनिटी ए रिप्रेजेंट द्वारा मैंने पॉइंट का नाम रखा हुआ है सो यू ए मीनस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है जिसका नाम पॉइंट ए है इस पॉइंट पर हमने हमें कितनी वर्कडन लगी हमने कितनी लगी चार्ज को कहां से इन्फिनिटी से लाने में वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाती है एज पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं सो सिंपली मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल डब्ल्यू इनफिनिटी एनि वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए उसके बाद नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि जैसे मैंने पहले भी बोला ये जो कि वर्क डन ही होती है तो इसका यूनिट जूल है इट्स ऐसा यूनिट इज जूल इसके छोटे यूनिट जो है यूनिट्स इसका स्मॉल यूनिट अर्ग भी हो सकता है और उससे छोटा यूनिट इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है सो इलेक्ट्रिक पोर्शियल एनर्जी का यूनिट ऐसा यूनिट जूल है इसका सी जी एस यूनिट वट कॉल्ड अर्ग है और एटॉमिक स्केल पर एटॉमिक स्केल पर इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट का अपना अपना होता है एक पॉइंट एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दूसरे पॉइंट दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तीसरे पॉइंट सो so, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये डिपेंड करेगा किस पर पॉइंट पर लिहाजा हमने लिख रहा है लिखा है लिहाजा पॉइंट को मेंशन करना है जरूरी इसको डिफाइन करते समय लिहाजा हमने इसको डिफाइन ऐसे किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कहां से इनफिनिटी in से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोर्शन मेजर कर रहे हैं या जिस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोर्शन डिफाइंड कर रहे हैं हमें उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में कितनी एनर्जी लगी किसको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूनिट चार्ज तो मैंने इससे पहले भी बोला यूनिट चार्ज हो गया वन कूलम चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने कितनी एनर्जी देनी है कितनी वर्क इस पर करनी है कहाँ से इन्फिनिटी से लाने में उस पॉइंट तक जिस पॉइंट की हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं So, electric potential of a point is defined as the amount of work in moving a unit positive charge from infinity to that point. We um, electric potential of a point is also defined as the electric potential energy per unit charge at that point. Electric potential energy per unit charge. how much energy is at that point? electric potential. So, electric potential is also वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको हमोट करते हैं so, uh, है, कहा से? से तक हमने कितनी वर्क डन इसमें की डब्ल्यू इन्फिनिटी ए सो अगर हम इस वर्क डन और इस चार्ज को लिहाजा ये ख्याल रखें यह चार्ज जो है जो हमने यहां पर डिवाइड किया है वर्क uh, डन को ये वो चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं यानी कि जिस जिस पर हम काम कर रहे हैं न कि सोर्स चार्ज को न कि उस चार्ज न कि ये वो उस चार्ज है जिसकी वजह से जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चीज़ का ख्याल रखें उसको वैसे भी हम अक्सर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं सोर्स चार्ज को सो तो स्मॉल चार्ज को हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज से डिनोट करते हैं सो तो ये स्मॉल क्यू जो यहाँ पे है ये टेस्ट चार्ज है यानी कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वही चार्ज है। जिसको हम ला रहा है लाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बन गई वो यही है V इज इक्वल ए डिवाइडेड या यू भी कह सकते हैं ना इट इज यू डिड बाई क्यू यानी कि वट इज यू यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज अगर हमने क्यू को डेस्टार्ज को यूनिट रखा है वन कूलम रखा है तो वी सीधे निकलेगा किसी के बराबर, बराबर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है सो so, लिहाजा हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो लिहाजा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एस यूनिट जो है इसको आप याद रखोगे इट इज़ वोल्ट एलेक्सेंड्रा वोल्टा के नाम पर जो कि आज से तकरीबन ढाई साल पहले ज़मीन पर रहा करता था इटली का साइंटिस्ट सो एलेक्सेंड्रा वोल्टा उसका नाम था आई थिंक ही वॉज हिट्स फ्राम सेवनटीन फ्रॉम फाइव टू एटीन समथिंग एटीन टीट और एलेक्सेंड्रा वोल्टा के नाम पर इसका यूनिट वोल्ट पड़ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट पड़ गया है सो एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है वोल्ट या यूं भी कहेंगे एक वोल्ट किसके बराबर होता है जूल पर कूलम सो so, जूल पर कूलम भी इसका यूनिट क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू तो यू का यूनिट तो जूल है और क्यू का यूनिट तो सी है कूलम है सो so, जूल पर कूलम भी इसका यूनिट बनता है वोल्ट भी इसका यूनिट है और जूल पर कूलम भी इसका यूनिट है अब आते हैं

अगर हम दो पॉइंट्स लेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी पॉइंट ए का भी पोटेंशियल होगा से फॉर एग्जांपल वी ए और पॉइंट बी का भी पोटेंशियल होगा से फॉर एग्जांपल वी बी तो इनका अगर हम डिफरेंस करें माइनस करें तो उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही लिखा है यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्योंकि डिफरेंस तो बिटवीन टू पॉइंट्स ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स किन के दरेंस दर माइनस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट्स जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन डन भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इट कैन भी ऑल्सो डिफाइंड वर्क डन इन मूवइंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट जिन पॉइंट के दरमियान हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिन पॉइंट्स के दरमियान हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट चार्ज को मूव करना है यूनिट चार्ज को मूव करना है तो इसमें कितनी वर्क डन लग गई वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है सो so, हमने यहाँ पे इस दूसरी डिफिनेशन में यही लिखा है इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट So, यहाँ पे एक चीज आप याद रखोगे कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया तो हमने वहां पर यूनिट चार्ज को मूव कराया तो उस पर ओवर कितनी लगी उस पर ओवरिटन कितनी लगी तो वही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया एक केस में तो फिर दूसरे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फर्क यह है कि पहले केस में हमने उस चार्ज को मूव किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए और दूसरे दूसरे इसमें इलेक्ट्रिक पॉइंट्स डिफरेंस में हमने इसको मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट दोनों पॉइंट्स काम है इलेक्ट्रिक फील्ड में हालांकि यहाँ पे हा डिफिशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन नहीं किया जरूरी भी नहीं है इसलिए क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी वाले पॉइंट के दरमियान में आ, इनको मूव करेंगे तो वर्क डन होगी नहीं तो पोटेंशियल भी होगा ही नहीं लिजा एप्लीकेबल है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और ये डिफिनीशन एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से भी सो so, दूसरी बात दूसरी बात जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था तो उस वक्त हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया क्योंकि चार्ज तो कुछ भी हो सकता है वहां पर वहां पर जरूरी नहीं है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही घुमाओ वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे करो तो वहां पर हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज वो चार्ज कोई कुछ भी हो सकता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जरूरी नहीं है तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का तो पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव चार्ज का तो नेगेटिव ही होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो चार्ज के दरमियान उसको से फॉर एग्जाम्पल सॉरी दो पॉइंट्स के दरमियान से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए और बी के दरमियान उसको हमने उसको हमने वर्ड्स कॉल उसको हमने डिफाइन किया वी ए बी से डिनोट किया उसको हमने डिनोट किया वी ए बी से सो वी ए बी किसके बराबर है Vab what is Vab it is the electric potential difference between point A and B तो ये किसके बराबर होगा potential of B minus potential of A potential of B का potential कितना पोटेंशियल A का कितना है ऐसे भी कैसे हम तो इसको लिख सकते हैं इट इज वर्कडन पर यूनिट चार्ज सो लिहाजा वर्कडन कौन सी work done जो हमने चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे की कहा से कहा तक पॉइंट ए से बी तक लाने में लिहाजा वी ए बी किसके बराबर है वी ए बी इसके बराबर भी है भाई यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई चार्ज ये भी इसकी डिफिन बनती है होप दैट के आपकी समझ में आ गया होगा सो so अब हम मूव करते हैं इस पर ये न्यूमेरिकल हम करते हैं यहाँ पे टेन जूल वर्क इज डन इन मूविंग टू कोलम चार्ज पॉइंट ए टू बी हमने पॉइंट ए से बी तक टू कोलम चार्ज मूव किया तो इसमें हमें दस जूल वर्क डन लगी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दम तो इन दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है सीधी सी बात है अभी जो हमने किया लेट मी राइट अभी जो हमने वट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वी ए बी किसके बराबर है हमने वो लिखा डब्ल्यू ए बी यानी कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू हम कौन सा चार्ज मूव करते हैं सीधी सी बात है डब्ल्यू ए बी कितना है यहाँ पे डब्ल्यू ए बी क्या है कितनी वर्क कितनी वर्क डन हमने टेन जूल वर्क इज डन सो ट जूल है वर्क डन 10 है जूल डिवाइडेड बाई क्या करना है कितना कोलम इन मूविंग कौन सा चार्ज हमने मूव किया टू कोलम चार्ज सो डिवाइडेड बाई टू सो टेन बाई टू कितना हो गया ट इज फाइव सो फाइव जूल पर कोलम चूंकि इसका यूनिट जूल था इसका यूनिट कोलम था सो जूल पर कोलम फाइव जूल पर कोलम ठीक है फाइव जूल पर कोलम या यूं बोलो सीधे कि five volt, five volt, ठीक है सो so ये होगी वर्क सो so बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है Let's move